हमने एनिमेशन के जरिए हादसे को रिक्रिएट करने की कोशिश की है ताकि उस हादसे का इम्पैक्ट आपको समझ आए, आप समझ सकें, क्योंकि शायद इस तरह का ये हादसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक दो नहीं, देखिए तीन ट्रेनें चल रही है। देखिए ये एनिमेशन है, ये लूप लाइन में एक मालगाड़ी खड़ी है और पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, इससे टकराती है, इसके ऊपर जाकर जो डिब्बे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे मालगाड़ी के ऊपर जाकर डिब्बे चढ़ जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक और पैसेंजर ट्रेन आती है और वो फिर वापस कोरोमंडल जो डीरेल हो गई थी उससे टकराती है। तो इस तरह से ये तीन ट्रेनें टकराती है। देखिए ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है, यहाँ पहले से लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी जिससे टकराई है, क्योंकि डीरेल हुए डब्बे और लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गए। टकराने के बाद जो डिब्बे थे वो इधर उधर जाकर गिरे, लेकिन पीछे से फिर दूसरी ट्रेन आई दुरंतो और वो इन डब्बों से टकरा गई। इस तरह से तीन ट्रेनें आपस में टकराई। एनिमेशन की मदद से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हुआ ये रेल हादसा। हालांकि इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। बालासोर रेल दुर्घटना के बाद एक ही परिवार के तीन सदस्य सुरक्षित अपने घर लौटे। सुनिए कैसे परिवार के लोगों की आंखों के आगे मौत का मंजर गुजरा। तो भीषण हादसा हुआ, कैसे हुआ, एनिमेशन के जरिए ग्राफिक्स के माध्यम से जल्दी से आप दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। देखिए कई रेल पटरियां, कई रेल ट्रैक थे, लेकिन ये जो ट्रेन है मालगाड़ी खड़ी थी, अब ये ट्रेन आती है एक्सप्रेस, सीधा जाकर टकरा जाती है और डीरेल होती है। उसके पहले एक ही पटरी पर दो रेलगाड़ी आ जाती है, अंदाजा लगाइए, ये बालासोर ओडिशा ये जो रेल है, और बाद में जो तीसरी ट्रेन आती है उसने और भयावहता को बढ़ा दिया। तीसरी ट्रेन वहां से गुजरती है और नतीजा परिणाम क्या हुआ, 280 लोगों की जान चली गई, 900 से ज्यादा जख्मी हैं, बहुतों की हालत नाजुक है। और ये जो अब तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, ड्रोन के जरिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एरियल व्यू है ये, आसमान से ली गई तस्वीरें। अब इसकी भयावहता को समझिए और बहुत ही खौफनाक ये मंजर है। लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में हर तरफ मलबा बिछा हुआ है रेल ट्रैक के आसपास, 100 मीटर इस तरफ, 100 मीटर इस तरफ, 200 मीटर के आसपास, और लोगों का हुजूम है। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ये भी आपको हम बता रहे हैं। SDRF, NDRF, एयरफोर्स, आर्मी सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है कि ताकि जो लोग, अगर कोई संभावना बची है, जिनकी जिंदगी अभी फंसी हुई है, उनको निकाल लिया जाए सुरक्षित। देश में दुआओं का दौर, प्रार्थना का दौर लगातार जारी है, लेकिन कुछ डेड बॉडीज अभी फंसे हुए हैं, उनके आशंका है जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, और इसके बाद डेड टोल्स जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन प्रार्थना बस यही है कि कम से कम नुकसान, लेकिन अब नुकसान हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बालासोर ओडिशा, शाम 7 बजे हादसे की जगह से सीधी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। क्या अपडेट, क्या जानकारी, हमारे तमाम सहयोगी, तमाम रिपोर्टर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। आप सभी दर्शकों को, भारत की जनता को जो विदेशों में भी आज तक को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए अपडेट, 280 डेड ट्रोल्स, 900 से ज्यादा जख्मी, बहुतों की हालत नाजुक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर खुद पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, जायजा ले रहे हैं, और ये एरियल व्यू आपको हम दिखा रहे थे, ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाया कि किस तरह से ये चीजें हुई हैं। एक बार फिर से आपको एनिमेशन के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे, नजर डालिए। ये देखिए जरा, ये रेल की पटरी आपको नजर आ रही है, ये स्टेशन कौन सा है, बालासोर ओडिशा आउटर पर। देखिए ये ट्रेन मालगाड़ी खड़ी होती है, ये मालगाड़ी गुड्स ट्रेन, एक पीछे से ट्रेन आती है, डिरेल होती है और टकरा जाती है।